खास इसलिए क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का वो जो परचम है भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति में, भारत के शौर्य में, भारत की गौरव गाथा में, उस परचम को उन्होंने लहराया। पूर्व कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन मैं कहूंगा भारत की वेट लिफ्टिंग चैंपियन कुंजारानी देवी मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रचने जा रहा है आकाशवाणी यहाँ। मैडम आपका स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले तो हमारे देश को वो सम्मान दिलाने के लिए, यू मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। यू केम फ्रॉम अ स्टेट जहां पर वेट लिफ्टिंग कोई कर सकती है महिला सोच नहीं सकता था, और आज आप न जाने कितनी महिलाओं की, कितनी युवा लड़कियों की आप शायद आइडल हो, सिर्फ अपने राज्य में नहीं पूरे भारतवर्ष में। आपका स्वागत कर रहा है आकाशवाणी, आपका स्वागत कर रहा है मैं आपकी और एफएम रेडियो को भी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने कब वेट लिफ्टिंग शुरू की, स्पोर्ट्स में कितने साल की थी आप, कैसे ये सब शुरू हुआ? खो खो से पहले शुरू की। वाह। खो खो खेली, नेशनल डायरेक्ट मिली, खो खो के बाद एथलेटिक, पावर लिफ्टिंग, फुटबॉल। मैंने जहाँ तक की मैं एक पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ओलंपियन, ये कैसे बनना है ये ढूंढते ढूंढते अपने आप को स्पोर्ट्स में ऐसे डाली कि एथलेटिक में भी वही सेम टैलेंट, पावर लिफ्टिंग में भी वही सेम टैलेंट। तो हर चीज में मैं जब भी डालती हूँ तो, पर जब भी खेलती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को जैसे कि कोचेज भी झगड़ा हो जाती थी कि मैं किसको ये सिलेक्शन करके किस गेम में ले रहे। तो मैं जब 1978 में मेरी 12 साल हो गई थी, उसी दिन से लेके आज तक मैं बाहर ही बाहर कभी फॉरेन में, कभी मैं आज तक मेरी घर की उसी आंगन में बैठने का अभी तक मौका नहीं मिला। अभी तक मौका नहीं मिला। पर खेलो इंडिया गेम्स भी चल रहे हैं कुंजारानी देवी जी, अब समय हमारे पास नहीं है, लगभग 1 मिनट बचा है, तो जल्दी से आपको लगता है खेलो इंडिया जो गेम्स चल रहे हैं वहां पर भी जो युवाओं के लिए गेम्स आयोजित किए गए हैं, आप पर्सनली सोचती हैं बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, इसी से आएगा बहुत अच्छे बच्चे बच्चे चुन के आएगा, क्योंकि ये बहुत दिन की बात आई है। तो इसी में जैसे कि जो हमने कभी नहीं देखा वो बच्चे आपको मिलेगा, जैसे कि आप हिमा दास का नाम सुना होगा जी, ये भी खेलो इंडिया से आए। एब्सोल्युटली। और मीरा भाई चानू का नाम लिए बगैर ये शो मैं पूरा नहीं करूंगा, जो आपको भगवान मानती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एक और बच्ची को हिंदुस्तान को देने के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है कुंजारानी देवी जी, अच्छी लड़की है जहाँ जहाँ चले, तो आपकी आंखों में जो भाव आ रहे हैं उसके लिए वो देखकर ही मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी लड़की है। मैं पूरा देखी हूँ 2-3-4 साल, और जहाँ भी चले, जहाँ भी कम्पिटिशन करे, हमेशा बिना है देखे जीत के आए कुंजारानी की जगह उसे भी ऊंचाई ले सकते। क्या बात, बहुत अच्छे भाव के साथ मैं मनीष और आप सभी को बता दे रहा हूँ। लेकिन आने वाला हमारा प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुनना बिल्कुल ना भूलें।